मतलब 30 दिन तक हम इस बच्चे को ना इसको ना इसकी मम्मी को टच कर सकते हैं। अगर टच करें तो मम्मी कहती है कि जब हम भगवान का व्रत रखते हैं तो भगवान हमें हिम्मत देते हैं। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? और आज मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ, मतलब मेरे आज आपको मेरे चेहरे पे बहुत खुशी दिख रही होगी, मेरे और मेरे भाई के दोनों के, मतलब मेरे मामू के भी चेहरे पे खुशी दिख रही है, क्योंकि एक इतनी बड़ी खुशखबरी है। आप गेस करो पहले क्या हो सकती है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं वही जाके ही बताऊँ या फिर अभी बता दूँ, बट मेरे से रह नहीं जा रहा, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए अभी बता देती हूँ। तो आज है ना, हमारी फैमिली में एक न्यू मेंबर आया है। मेरी मम्मी है ना, उसकी उनकी सिस्टर, मेरी मासी, उनका बेटा हुआ है। तो मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। और मेरा दूसरा भाई, ये मेरा रियल भाई, वो मेरा मासी का भाई है, मासी का बेटा, मतलब मेरा भाई हुआ। तो मतलब मेरे दो भाई हो गए, मैं दो भाइयों की बहन बन गई और मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और उससे पहले है ना, मेरी बहन थी वो मासी की थी, तो मतलब वो किसी एक्सीडेंट में 1.5 साल की थी, तो वो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो ख़त्म हो गई। फिर मतलब हमारे लिए वो जिंदगी में सबसे सैड मोमेंट था। और अभी है जो उनका भाई है उसका और मेरा भाई, मतलब वो तो चली गई अब, बट मैं हूँ ना उसकी बहन, तो मतलब अब वो भी उसके सेम शक्ल का ही है। मैंने फोन पे सुना है कि वो दोनों सेम शक्ल की है, ऐसे बड़ा सा मुंह था उसका भी, एकदम क्यूट क्यूट। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और है ना, मेरी मम्मी है ना, वो 2 दिन हो गए व्रत है उनका, तो अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया और आज सुबह उनको जल्दी निकलना पड़ा। तो मतलब बिना खाना खाए व्रत ही, भगवान को धूप भी नहीं लगाई। बट मम्मी कहती है कि जब हम भगवान का व्रत रखते हैं तो भगवान हमें हिम्मत देते हैं उतनी जितना हम सहन कर सकते हैं उस भूख को। तो मतलब मेरी मम्मी तो लाइक 2 दिन हो गए व्रत है। और हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि अगर लड़की हो या लड़का, उससे कोई फर्क, दोनों को बराबर मानते हैं। हमारे कोई ऐसा होता है परिवार जो मतलब ज्यादा चाहते कि लड़का हो, लड़कियां मतलब कैसे पालेंगे वो सब। तो मतलब लड़कियां पैदा होती है ना, तब वो साथ में अपना कैरियर लेकर ही पैदा होती है। और हिंदुस्तान में आज बहुत लड़कियां अपना नाम भी कमा रही है। तो मतलब हम हमारे परिवार में ऐसा नहीं सोचते कि लड़की हुई है तो या फिर लड़का हुआ है, बस हम दोनों बराबर मानते हैं। तो मतलब लड़का हुआ है तो भी अच्छी बात है, लड़की होगी तो भी अच्छी बात है, बट मतलब हमारे परिवार वाले सब खुश है। और मेरा भाई है ना, अभी इसके चप्पलें थी बहुत महंगी वाली, 1500 वाली इसकी चप्पलें थी, बट इसने है ना कहीं खो थी, इसीलिए अब है ना जल्दी जल्दी मैं इसके लिए सस्ती वाली चप्पलें खरीदी है। ये देखो आप, क्योंकि इसके लिए तो सस्ती वाली बेस्ट रहती है, ये महंगी वाली है ना चलाता नहीं है, कहीं तो खो देता है या फिर तोड़ देता है। तो मैं और मेरा भाई और मेरे मामू हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, तो अभी चलते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, ये देख सकते हो कितना बड़ा हॉस्पिटल है ये। ओह, बार बार जंप आ रहे हैं। और मेरा है ना एक ट्रिक है, चप्पल मेरी है ना, मेरे को शूज खोलने पड़े, तो उसके लिए मैंने क्या किया, तो गाइस हमें मतलब निराश होके लौटना पड़ रहा है घर, क्योंकि मेरे को और मेरे भाई को अंदर एंट्री नहीं दी जाने के लिए। जैसे ही हम एंट्री किए तो वहाँ पे डांट पड़ गई हमको। डांट क्यों पड़ी वो बताऊं? क्यों? हाँ बताओ। क्योंकि यहाँ पे छोटे बच्चों को अंदर अलाउ नहीं करते हैं, इसीलिए डांट पड़ी आपको। और रूल्स को फॉलो करना चाहिए अपन को, ठीक है? नहीं ऐसा नहीं, मतलब हम बहुत एक्साइटेड थे ना, तो जैसे ही उन्होंने मना किया कि नहीं 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 बच्चे नहीं जा सकते, मैं एकदम देख ही रह गया। मेरा भाई तो थोड़ा आगे भी जाके पीछे देखता है क्या। और मैं वैसे मम्मी को वो टिफिन विफिन देना था, तो मासी दे के आ गई और हमको तो बस ऐसे ही लौटना पड़ा। तब कोई अगली बार मिलेंगे, अगली बार क्या, घर आएंगे तभी मिलेंगे। अब अगली बार कौन सा एंट्री देंगे, पहली बार एंट्री नहीं दी। गाइस मेरा भाई है ना, वो अब मेरे घर में आ गया है, क्योंकि कल हम हॉस्पिटल मिलने गए थे तो वहाँ हमें अलाउड नहीं किया, और वैसे डांट भी पड़ी क्योंकि हमें उनका रूल का पता नहीं था। तो चलिए अभी मैं आपको मेरे भाई से मिलाती हूँ। हाँ दीदी, ये देखो कितना प्यारा है, एकदम इसकी नाक देखो,
कितनी बड़ी है कि छोटा सा एकदम प्यारा सा है। और ये मम्मी है मेरी, केयर कर रही है इसकी ये। मैं उठा नहीं सकती क्योंकि है ना हमारा एक रूल है बिश्नोइयों का कि मतलब 30 दिन तक हम इस बच्चे को ना इसको ना इसकी मम्मी को टच कर सकते हैं। अगर टच करें तो भी नहाना, फिर ना के कहीं और टच करना होता है। इसीलिए मैं कल जब नहाऊंगी ना सुबह, उससे पहले कपड़े सब बाथरूम में रख के फिर इसको इसके साथ थोड़ा खेल के फिर बाद में नहाऊंगी। बट इसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं, इसे सारा अपना है ना चेहरा लाइक नाखून से पूरा कर दिया रेड रेड यूं 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 करके। एक और मजे की बात है कि इसका बहना जन्म 10 मार्च को हुआ और मेरा जन्म है 10 अप्रैल को, मतलब एग्जैक्ट एक महीने बाद, मतलब मेरा बर्थडे इससे इसका एक महीने पहले है। और मतलब हमारे बिश्नोइयों में ये भी होता है कि एक महीने बाद इसको है ना हवन होता है घर में, फिर वो पहल होता है वो इनको पिला के फिर हम इनको मतलब टच कर सकते हैं। तो एक महीने बाद हमारे घर में प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम में मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा और इनका भी हो जाएगा, ये भी बिश्नोई बन जाएंगे। तो मतलब बर्थडे पार्टी और सब साथ में डबल खर्चा नहीं लगेगा।